नमस्ते सभी को। जय माता दी। माता रानी का नवरात्र है, आज नवमी और अष्टमी दोनों एक साथ पूज रहे हैं, तो आज माता रानी का भोग तैयार करूंगी मैं। तो आज का जो भोग है उसे तैयार करने से पहले तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कुक राइट ईट राइट के जो हमारे ग्रुप एडमिन हैं, अतुल सर जी, रीना मैम जी और हमारी वंदना मैम, सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने मुझे आज ये मौका दिया कि मैं इस ग्रुप पर आकर अपना जो है लाइव कुकिंग जो है माता रानी का भोग जो है वो आज आपके साथ शेयर करूं। जो हम मम्मी पापा के हाथ का खाते आए हैं, बचपन से तैयार होता है हमारे घर में, आज वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो माता रानी का जो हम भोग बना रहे हैं उसमें सबसे पहले मैं तैयार करूंगी फिरनी, क्योंकि इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगता है। तो सबसे पहले हम इसी से शुरुआत बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सामा राइस लिए हैं, व्रत में जो खाए जाते हैं सामक राइस। ये कटोरी है हमारी, जिस कटोरी के नाप से मैंने यहाँ पे सामा राइस लिए थे, इन्हें मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। भिगोने के बाद इसी में से 3-4 चम्मच मैंने निकाल के और जो है अलग कटोरी में निकाल लिए थे। निकाल के मैंने काजू का जो काजू भिगो के रखे थे, काजू और सामा राइस दोनों को पीस के तैयार कर लिया है। ये एक पेस्ट बन गया है जिससे कि हमारी फिरनी काफी अच्छे से उसका टेक्सचर आता है। और कुछ हमने ये चावल ऐसे ही भीगे हुए रहने दिए क्योंकि फिरनी में हल्का सा जो दरदरा सा फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और मिठास के लिए हम इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बनाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे हमने 1/2 लीटर जो है मिल्क लिया है उसको हम डाल देंगे। पहले से उबला हुआ और ठंडा किया हुआ दूध है ये, इसमें से थोड़ा सा मैंने रख दिया है, डिपेंड करता है कंसिस्टेंसी पर, अगर ज्यादा थिक लगेगा तो हम और ऐड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम ये जो चावल भिगो के रखे हैं वो डाल देंगे, इन्हें पकने में समय लगता है। अगर आप इसी चावल को पीस के इसका पाउडर तैयार करते हैं तो फिर बहुत जल्दी बन जाता है। इधर दूध में हम चावल को पकने देते हैं। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें गुड़ डाल देंगे कूटा हुआ। गुड़ की क्वांटिटी जो है वो आप अपने अकॉर्डिंग जितना आप मीठा पसंद करते हैं उसके हिसाब से रख लें। मैं थोड़ा कम मीठा इस्तेमाल कर रही हूँ, फिरनी में हल्का फीका ही अच्छा लगता है। जितना गुड़ है उससे थोड़ा सा पानी ज्यादा लेंगे हम। आधा कटोरी अगर गुड़ है तो आधा कटोरी से थोड़ा सा ऊपर हम ये पानी लेंगे और इसको हम रख देंगे गर्म होने के लिए। एक पिंच मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है जो कि हम बाद में ऐड करेंगे। इलायची पाउडर बाद में ऐड करने से उसकी खुशबू अच्छी रहती है। इसको लगातार चलाना है हमें ताकि इसमें लम्स ना बने। गुड़ की यहाँ पे हमें कोई चाशनी तैयार नहीं करनी है, बस हल्का सा स्टिकी सा हमने इसे रखना है। आप गुड़ की जगह यहाँ पे देसी खांड का भी इस्तेमाल करते हैं, मिश्री जो है धागे वाली मिश्री आती है उसे पीस के उसका पाउडर बना के वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्कर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी मिठास दे। गुड़ से थोड़ा कलर अच्छा आता है फिरनी का। फिरनी जो है मैंने ये अपने डैडी जी से सीखी है। फिरनी का मतलब होता है फेर फेर कर पकाना, इसे फेरते रहते हैं इस तरीके से और इसे पकाते रहते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट होती है। और माता रानी का भोग तैयार कर रहे हैं, सिंपल हमारा जो है सात्विक भोजन जो है एनर्जी देता है हमें। राइस हमारे ग्लूटेन फ्री है तो इनको थोड़ा सा टाइम लगता है गाढ़ा होने में। गुड़ का जो पानी हम तैयार कर रहे हैं उसमें उबाल आ गया, अब हम उसे बंद कर देंगे, ज्यादा नहीं उबालना है नहीं तो वो पक जाएगा, हमें पकाना नहीं है। देखिए इस तरीके से दूध के ऊपर आप देख रहे हैं मलाई आनी शुरू हो गई है, जैसे हम रबड़ी के लिए तैयार करते हैं और मलाई को साइड करते रहते हैं ना, सेम उसी तरीके से ये मलाई आ रही है। इसका मतलब चावल जो हमारे बहुत अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं।
अब हम गैस का फ्लेम थोड़ा कम करेंगे और ये जो हमने सामा राइस और काजू का पेस्ट बना के रखा है ना, वो ऐड कर देंगे और लगातार चलाते जाएंगे। इसी से फिरनी का असली जो है स्वाद आएगा। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है मिक्स करते करते, आप देख पा रहे हैं ये कितनी गाढ़ी हो गई है। अभी जब ये ठंडी होगी ना तब ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसको और जो हमने गुड़ का पानी बनाया है इन दोनों को ठंडा होने देते हैं। गुड़ हमने इसलिए इसमें साथ में ऐड नहीं किया है क्योंकि अगर हम गुड़ ऐड करते तो दूध फट जाता, तो हमने इसीलिए गुड़ की जो चाशनी बनाई है बिल्कुल पतली उसको हम बाद में ऐड करेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा कलर भी आएगा और अगर ये फिरनी हमारी गाढ़ी हो जाएगी ज्यादा तो उसे बैलेंस कर देगा। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। मैं इसमें जो इलायची पाउडर रखा था वो डाल रही हूँ। इलायची पाउडर बाद में डालने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अगर हम उसे पकने में डालें तो उस टाइम तो अच्छा लगता है लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी खुशबू जो है वो चली जाती है। तो ये मैंने इलायची पाउडर डाल के मिक्स कर दिया है। रानी के भोग के लिए अब जो हमारी दूसरी रेसिपी है वो है पनीर पेठा खीर। पनीर पेठा खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 लीटर दूध लिया था, उसको मैंने काढ़ लिया, अच्छे से पका लिया कढ़ाई में और ये 1 लीटर के करीब रह गया आप देख सकते हैं। और इसे मैंने जो है बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया क्योंकि खीर हो फिरनी हो ये सब तो ठंडी अच्छी लगती है ना, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से ठंडा कर लिया। बहुत इंस्टेंट बनने वाली ये हमारी जो भोग है माता रानी का, बहुत ही जल्दी बन जाता है, हमारी जो रेसिपी है बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। 200 ग्राम मैंने यहाँ पे पनीर लिया है जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है, ग्रेट कर लिया है। इसको हम दूध के अंदर डाल देंगे। मुझे कमेंट नहीं दिख रहे हैं, मुझे नहीं पता है आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं बाद में चेक करूंगी। पनीर पेठा खीर बनाने के लिए पनीर हमने दूध में डाल दिया है। अब मैंने यहाँ पे पेठा लिया है, 200 ग्राम मैंने यहाँ पे पनीर लिया है तो 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पे पेठा ले लिया। बाकी मीठा आपके अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग है, जितना आप पसंद करते हैं उतना डाल सकते हैं। इसमें जाएंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स, यहाँ पे मैंने काजू बादाम और पिस्ता ये तीनों ले लिए, बाकी जो आपको पसंद हो आप वो डाल सकते हैं, किशमिश डाल सकते हैं इसके अंदर। फ्लेवर के लिए हम इसमें डाल रहे हैं इलायची पाउडर और कुछ इसमें जाएंगे केसर के धागे। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दूध में कैल्शियम होता है, पनीर में प्रोटीन होता है और जो हमारा पेठा है वो एनर्जी का काम करता है क्योंकि जब हम फास्ट रखते हैं तो काफी थका फील करते हैं, एनर्जी लो होती है, तो उस टाइम पे हमें क्रेविंग होती है मीठे की बहुत ज्यादा, तो उसमें हम थोड़ा सा भी पेठा खा लेते हैं तो एकदम एनर्जी आ जाती है। तो और इस तरीके से हम ठंडी ठंडी खीर बना के खाएंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। तो ये हमारी इंस्टेंट जो है पनीर पेठा खीर भी तैयार है, माता रानी का भोग हमारा तैयार हो गया। अभी मैं बाद में सर्व करूंगी सब चीजों को। अब मैं यहाँ पे जो बना रही हूँ एक डेजर्ट बना रही हूँ, बहुत ही इंस्टेंट बनने वाला, इजी और फुल एनर्जी के साथ इसे खाया जाता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। फास्ट में ये सब चीजें इसलिए खाई जाती हैं क्योंकि ये हमें ताकत देती हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ इसके लिए हमने क्या किया था। 2 चम्मच मैंने साबुदाना लिया था जिसे कि मैंने रात भर भिगो दिया था, ये सॉफ्ट हो गया है। अगर आप नहीं भिगो पाए हैं तो आपको क्या करना है कि नॉर्मल साबुदाना लें, उसे धो लें और हल्का सा उसे स्टीम कर लें। स्टीम करने से थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है लेकिन इजी उसको आप तुरंत बना सकते हो, टेस्ट सेम आता है। और दूसरा हमने इसको क्या किया, ये मिक्सचर तैयार किया है जिसमें हमने 1/2 गिलास दूध, 1 चौलाई का लड्डू,
दो चम्मच हमने यहाँ पे साबुदाना लिए जो हमने भिगो के रखे थे। साथ में हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जैसे कि काजू, बादाम, काली मिर्च, पिस्ता और दो इलायची। इन सबको पीस के हमने ये पाउडर बना के तैयार कर लिया। इस पाउडर को हमने इस जो हमने ये डेजर्ट बनाया है उसके अंदर ऐड किया है और एक हमने डाला है इसमें केला, ताकि ये थोड़ा सा थिक बने, गाढ़ा बने, जिससे हमारा पेट भरा रहे। इसको हम कैसे सर्व करेंगे? ये जो हमने डेजर्ट बना के रखा है, बनाना और साबुदाना, चौलाई का लड्डू, दूध और कुछ ड्राई फ्रूट्स का जो हमने पाउडर बनाया था उससे, उसको हम गिलास में डालेंगे। चौलाई के जो लड्डू हैं इसको मैंने क्रश करके रखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम इसके ऊपर डाल देंगे। फ्रूट्स में आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे अनार लिया है, कुछ दाने अनार के डालेंगे। और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना के रखा है ये थोड़ा सा डाल देंगे। ये देखिए इस तरीके से जो है तैयार हो गया। इसमें मैं खीर डाल लेती हूँ जो मैंने बनाई है, पनीर पेठा खीर। बाकी मैं फ्रिज में रख देती हूँ ताकि ठंडी रहे एकदम से। बादाम और पिस्ता काट के रखे हैं, इसे गार्निश करेंगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार होने वाला माता रानी जी का भोग, बहुत ही स्वादिष्ट। व्रत में हमें ये फुलफिल रखता है, एनर्जी देता है। ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गई है फिरनी। अब इसको हम ये जो हमने गुड़ का पानी बना के रखा है इसको छान के इसमें डालेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। गुड़ जब पकता है तो उसकी खुशबू ही अलग होती है। अब ये बहुत गाढ़ी है, इसमें और गुड़ डालेंगे। जब ये ठंडी हो जाएगी तो गुड़ भी जो है वो जम जाता है ना, तो फिर ये और गाढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए हम थोड़ा अभी इसको पतला ही रखेंगे ताकि मिठास भी आए और खाने में भी अच्छी लगे। ये देखिए इस तरीके से जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, फिरनी में ऐसे ही होती है और गाढ़ी जो ठंडी हो जाएगी फिर और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। ये इसे भी निकाल लेते हैं। अगर आप इसमें केसर डाल देंगे तो बड़ा सुंदर सा येलो कलर आएगा इसका। ये देखिए इस तरीके से फिरनी हमने इसमें डाल दिए। इसके ऊपर मैं इलायची का पाउडर डाल दूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि बाकी हम ऑलरेडी फिरनी में ऐड कर चुके हैं।
दो धागे हम इसके ऊपर केसर पे डाल देंगे। साबुदाने का जो हमने डेजर्ट बनाया है वो बन के तैयार है, फिरनी बन के तैयार है और पनीर पेठा जो खीर है वो बन के तैयार है। कुछ गुलाब की पत्तियां मैंने यहाँ पे सुखा के रखी हैं, वो डाल देंगे। तो माता रानी की भोग के लिए बहुत ही सिंपल झटपट तैयार होने वाली ये तीन जो आज मैंने भोग तैयार किए, रेसिपी तैयार की है, ये तैयार हैं। अब मैंने माता रानी जी को भोग लगाऊंगी। जय माता दी। आप सभी को माता रानी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि सबको सद्बुद्धि और तंदुरुस्ती दें। ये माता रानी जी का भोग है, पनीर पेठा खीर फिरनी और साथ में साबुदाने का जो हमने डेजर्ट बनाया है वो। जय माता दी। हमारे यहाँ पे जो भोग होता है वो आज के दिन अष्टमी और जो नवमी पूजी जाती है, हमारे यहाँ अष्टमी होती है तो जो हम जौ बीजते हैं उनको भोग लगाया जाता है। जय माँ। आप सभी को जय माता दी।